अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। तो जो तीन प्रकार के भक्त हैं, फल चाहने वाले जो माने जाते हैं, वे अपने अपने फल से च्युत होते हैं। ये महाभारत में व्यास जी कह रहे हैं। किंतु जो साक्षात भगवान की उपासना करते हैं, ज्ञानी भक्त हैं, वो मोक्ष को प्राप्त करते हैं। कौन? बोले जो भगवान के परमई कांति भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं, चैवानन्य देवता, भगवान ही जिनके एकमात्र आराध्य उपास्य हैं। कैसे? जैसे पतिव्रता नारी। पतिव्रता नारी अपने सास ससुर का भी आदर करती है। किसके संबंध से? पति के संबंध से। जेठ का भी आदर करती है, देवर का भी आदर करती है, और कोई घर में अतिथि आ जाए तो उनका भी आदर सत्कार करती है। किस संबंध से करती है? पति संबंध से। पर आदर सबका करती है, पर पति स्थान पर केवल पति ही होता है। ऐसे ही भगवान का ही परिकर देवी देवता हैं, समय समय से उन सबका वंदन करे, सबका आदर करे, लेकिन अनन्य भाव जैसे पतिव्रता पति के प्रति रखती है, ऐसा अनन्य भाव अपने आराध्य इष्ट उपास्य श्री ठाकुर जी के प्रति रखना चाहिए। हाँ, अब इसमें एक बात हम बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे कह रहे हैं कि अनन्यता का अर्थ भगवत स्वरूप में ही भेद करना नहीं है। कई बार ये बड़ी भारी भूल हम लोगों से हो जाती है। हम लोग अज्ञानी है ना, अध कचरे हैं, तो भगवत स्वरूपों में ही भेद बुद्धि करने लग जाते हैं। यह अनन्यता का अर्थ नहीं है। भगवत स्वरूपों में भेद करना, किसी को बड़ा किसी को छोटा बताना, किसी की निंदा करना, उपेक्षा करना, ये तो अनन्यता के नाम पर किया गया अपराध है।